जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर बहुत बहुत मुबारक सर, 11th of October बहुत बड़ा दिन है हम सभी के लिए, सभी भारतीयों के लिए, आपके लिए। एंड तो कुछ अगर बताना चाहें कि कितनी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं इस गाने के लिए। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं एंड उज्जैन में इस गाने को लॉन्च करने के लिए। इस बहुत ही बड़ा दिन है हम सभी के लिए, अगर आप इस पर अगर कुछ प्रकाश डाल सके। मैं ये बताना चाहता हूँ इस पृथ्वी को, देखिए युग परिवर्तन हो रहा है और युग परिवर्तन में भारत की अग्रिम भूमिका आ रही है, मुख्य भूमिका आ रही है। भारत पूरी पृथ्वी को बता रहा है कि मनुष्यों, दिमागों वालों ने तो दुनिया बहुत चलाई है, लेकिन अब हृदय में आना पड़ेगा और हमारे आध्यात्म, हमारी पौराणिकता, हमारी परंपराओं से जुड़ना पड़ेगा। उसी का एक प्रतिरूप है ये कि मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से, वहाँ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से जिस प्रकार से हमारे आध्यात्म का पुनर्जागरण हो रहा है, इसी प्रकार से एक तरह से संस्कृति का अभ्युदय और ये एक स्वर्णिम पल हम कह सकते हैं हो रहा है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी अनावृत करेंगे जय श्री महाकाल लोक, यानी उज्जैन जो सप्त ऋषियों द्वारा बसाई हुई नगरी है, जो पृथ्वी पर पहली नगरियां सात बनी थी, उनमें से उज्जैन एक है जो भारत के मध्य में स्थित है। उसका थोड़ा सा पुनरुत्थान हुआ है, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत हैं पृथ्वी पर और धीरे धीरे सब चीज़ें कंजस्टेड हो गई थी, तो अब वो थोड़ा थोड़ा उसका जीर्णोद्धार हुआ है। 11 तारीख को महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है। तभी हम लोगों को सौभाग्य मिला कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमसे आग्रह किया था, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले, कि आप इसको गाना को बनाइए। और उसके बाद हम लोग इस पर लगे हुए थे, बहुत ही प्रेम से हम लोगों का ये गाना, ये समझिए जय श्री महाकाल कोई माइंड की उपज नहीं हो सकती। मेरे दाता ही, मेरे भोलेनाथ ही, मेरे महादेव ही स्वयं शब्द बनकर, उद्घोष बनकर, नाद बनकर स्वयं बह रहे हैं। हम तो पाइप हैं, हम एक माध्यम हैं, हमसे जो अमृत बह रहा है वो स्वयं परमात्मा है। और इसीलिए इसका जब अनावरण होगा तो हम वहाँ गाएंगे, प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में ही ये स्वर्णिम पल होंगे। तो 11 अक्टूबर को आप सभी से अनुग्रह है, प्रार्थना है कि जितने भी टीवी हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी यूट्यूब हैं धरती पर, जितने भी सोशल मीडिया के आजकल मंच बने हैं, कृपया उनसे जुड़े रहिए। भोर है ये, पृथ्वी पर भोर में ब्रह्म मुहूर्त में होगा, 7 बजे का ही हमें समय आवंटित हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, यानी जब सूर्योदय होगा तभी जय श्री महाकाल का उद्बोधन हो रहा होगा। तो आप कृपया जुड़े रहिए और अपना आशीर्वाद परमात्मा से प्राप्त कीजिए और हमको स्वयं दीजिए। जी, हिस्ट्री में आपका नाम, जब उज्जैन कॉरिडोर की बात की जाएगी, आपका नाम सबसे ऊपर रहेगा, आपकी क्या फीलिंग है, क्या थॉट्स हैं उसको लेकर? जी मैं तो बताता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ, मैं अनुभूतियों में, मैं महसूस में रहता हूँ। और क्योंकि ये महसूस ऐसा है जैसे परमात्मा, देखिए जब बालक छोटा होता है तो उसको दौड़ा दौड़ा कर माता पिता कैसे खिलाते हैं, ले बेटे लास्ट, बस एक लास्ट है, एक है। देखो भगवान गणपति ने भी खाके सोए हैं ना, अभी आप भी खाओ, बस लास्ट खाके फिर सोई सोई करेंगे। परमपिता परमेश्वर हम सभी को दौड़ा दौड़ा के खिलाते हैं, इतना लाड़ करके खिलाते हैं, बस हम में सुपात्रता होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद हमारे कुछ कर्म में, हमारे पुण्यों में, हमारे प्रारब्ध में इस तरह का कुछ पुण्य रहा होगा, इस तरह का कुछ सुकर्म रहा होगा, सत्कर्म रहा होगा, हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें शायद ऐसा रहा होगा कि रिटर्न चेक आएंगे सरकार से, तो वहाँ परमात्मा की सरकार से यानी परम सत्ता से हमको ये अच्छे सौभाग्य के पल मिलते हैं कि उनकी सेवा, उनकी स्तुति, उनका मनन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, शायद ये सुशुभ कर्मों का फल है। तो ऐसे में हम जो अनुभूति, जिस अनुभूति में हम हैं, जिस एहसास में अब हम हैं, बस यही है कि ईश्वर को जितना नमन किया जाए, जितना
धन्यवाद दिया जाए वो कम है। कैलाश जी, मैं पर्सनली ये जानना चाहूंगा कि भगवान महादेव के ऊपर काफी गाने बनते हैं और हर सिंगर एक अलग अलग गाना प्रकट करता है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कितना मुश्किल होता है कि वो एक ही टॉपिक, मतलब एक ही महादेव को लेकर वो बार बार वही चीजें गाना, कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है उसके लिए। ऐसे तो इस पृथ्वी पर हर कार्य हो चुका है, कोई भी ऐसा नहीं जो अब तक ना हुआ हो, परंतु काम करने का ढंग जो होता है वो निराला होता है और वो आपको भिन्न कर देता है। आज तक बहुत गाने बने थे, लेकिन पृथ्वी पर जब हम लोगों का पदार्पण कराया ईश्वर ने, तो हमारे ढंग अलग थे, हमारा रंग अलग था, हमारी खुशबू अलग थी। इसके लिए जो गाने मात्र मंदिरों में, देवालयों में और इस तरह की जगहों में, आध्यात्मिक स्थलों पे बजते थे, वो धीरे से क्लबों में आ गया, युवाओं तक आ गया, अगड़बम। और 18 साल हमारे जीवन को हो गए संगीत में, अभी भी जो आज के गायक हैं, आज के संगीत के साधक हैं, वो लोग भी इस पद्धति को अपनाने के लिए उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं। परंतु आज भी जब हम कुछ नया करते हैं तो वो करते हैं जो पहले ना किया हुआ हो। देखिए, शब्दों से लेकर नाद तक इस जय श्री महाकाल एंथम में भी हम लोगों ने 21 सपेरे जो बीन बजाने वाले होते हैं, और वो भी मंच पे, गलियों में नहीं, जो मंच पर, यानी जो परफॉर्मर्स हैं वो आए थे, और टोटल जो संगीत के साधक इसमें जुड़े 108 हमारे मन के होते हैं जपने के, 108 संगीतकारों ने इसमें अपनी समझ लीजिए यज्ञ में आहुति दी है, और 21 जो बीन प्लेयर थे वो आए थे, साधक बोलता हूँ मैं उनको, और वो महादेव के, वो नाथ संप्रदाय के होते हैं, महादेव के भगत होते हैं वो, तो बगल बच्चा बज रहा है, इनफैक्ट आप दंग हो जाएंगे, आज हमारा शूट है वीडियो का, और उसमें भी हम बगल बच्चा लेकर ही नाचने वाले हैं, हमको नाचना नहीं आता, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम पगलाने वाले हैं ऐसे करके, तो आप देखिएगा। देखिए, परमात्मा को जो प्रेम करते हैं आप तभी कर सकते हैं जब पूर्ण समर्पण हो। यदि आप माइंड से कुछ उपज करेंगे तो मनोरंजन का कार्य हो जाता है, हमारा मनोरंजन का नहीं, हमारा तो आत्म मंथन का है और ईश्वर मनन का ये कार्य होता है। हम ध्यान में बैठ जाते हैं, मेरे दाता अभी आपको ध्याना है, बस आपको यहाँ से आना है हृदय से, ऐसे फिर बहते हैं नदी की तरह शब्द भी, क्योंकि इसकी अगर ओपनिंग लाइन में बोलूं तो भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे, यहाँ से हमारा गाना प्रारंभ होता है।